फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो के स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल बताएंगे, मूलांक और नाम के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल बना देंगे, शुभाशुभ की जानकारी देंगे, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्र। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटके में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है रविवार का, तारीख है 7 जुलाई 2024, तिथि रहेगी द्वितीय, तिथि अंक रहेगा 2, नक्षत्र रहेगा पुष्य, नक्षत्र अंक रहेगा 8, दिन का मूलांक रहेगा 7 और भाग्यांक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला और अशुभ रंग रहेगा काला। दिन की शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य साउथ वेस्ट और अशुभ दिशा रहेगी वेस्ट यानी कि पश्चिम। अशुभ काल जो रहेगा दिन का वो रहेगा शाम को 5:39 से लेकर शाम को 7:23 तक। दिन का सबसे शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा दोपहर को 1:08 से लेकर शाम को 3:27 तक। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्र की दूज है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, बड़ा विशेष दिन है, रवि पुष्य योग है, ऐसे में महादेवी तारा के पूजन का विधान है और इसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा भी है और आषाढ़ का जो है चंद्र दर्शन पर भी है। ऐसे में हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी आषाढ़ नवरात्र दूज से और महादेवी तारा से जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की मूलांक एक के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एजेस से शुरू होता है, कारोबारी वृद्धि के लिए कर्जा लेंगे, कामकाज में अड़चने आएंगी, पिछले कार्यों से लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उपाय क्या करें, भगवान विष्णु पर रूली चढ़ाएं। मूलांक दो की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बी के या टी से शुरू होता है। भाषा पर काबू रखें, अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, करीबी की बातों से आहत होंगे, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, उपाय ये करें कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। मूलांक तीन की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल यू से शुरू होता है, कारोबारी लाभ होगा, सतर्कता से निवेश करें, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सांस के रोग परेशान करेंगे, उपाय ये करें कि लाल पीले कपड़े पहने। मूलांक चार की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम डी एम या बी से शुरू होता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, बड़ी कारोबारी डील होगी, अचानक खुशखबरी मिलेगी, घरेलू मामलों को नज़रअंदाज करने से बचें, उपाय ये करें कि गरीब कन्याओं का आशीर्वाद लें। मूलांक पाँच की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ई एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए समय शुभ है, पुरानी समस्याएं हल होंगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, वाहन का प्रयोग में सावधानी बरतें, उपाय ये करें गणपति पर दुर्वा अर्पित करें। मूलांक छः की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FO1 से शुरू होता है, दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी, कारोबार के लिए समय शुभ है, कारोबार में मित्रों से मदद मिलेगी, जोखिम भरे कामकाज से बचें, उपाय ये करें कि गाय को हरा चाला खिलाएं। मूलांक सात की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है जिनका नाम जी पी या वाई से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा के योग हैं, बड़ा निवेश करने से बचें, कारोबार में सावधानी बरतें, सेहत पर ध्यान दें, संबंध मधुर रहेंगे, उपाय ये करें कि कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मूलांक आठ की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8/17/26 तारीख को हुआ है जिनका नाम HQVZ से शुरू होता है, खर्चों में वृद्धि होगी, पारिवारिक कलह से परेशान रहेंगे, कामकाज में जल्दबाजी से बचें, संतान से शुभ समाचार मिलेगा, उपाय ये करें कि काली उड़द की दाल जो है वो जल प्रवाह करें। बात करेंगे मूलांक नौ की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18/27 तारीख को हुआ है जिनका नाम IR से शुरू होता है, कारोबारी निर्णय सतर्कता से लें, गुस्से पर काबू रखें, रुके हुए काम निपटेंगे, विवादित मामले सफल रहेंगे, यात्रा के योग हैं, उपाय ये करें कि बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए देवी महाविद्या तारा पर लाल फूल गुड़ रोली सेब आदि चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें, अंजीर का सेवन करें, तांबा गेहूं मसाले दवाई खरीदें, लाल कपड़े पहनना शुभ रहेगा, पीपल का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, नैऋत्य दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं सफलता से बचने के लिए क्या ना करें। अत्यधिक गुस्सा ना करें, मिर्च मसालेदार वाला खाना ना खाएं, काले कपड़े ना पहने, मांस मदिरा का सेवन ना करें, समुद्री नमक व कटेरी फल का दान और उपयोग ना करें, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों अब समय है
नामांक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। आषाढ़ नवरात्र की द्वितीया है, ऐसे में महाविद्या तारा के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, संकटों से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों, ये सिर से वार कर विशेष रूप से महादेवी तारा के निमित्त कर्पूर से जला दें। अब बात करेंगे नामांक स्पेशल मंत्र के, वो मंत्र जो समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए रुद्राक्ष की माला से विशेष महादेवी तारा के मंत्र ओम तारणे नमः का जप करें, आश्वस्त करता हूँ समस्याओं से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।